मी त्यांना विनम्र श्रद्धांजली अर्पण करतो आणि त्यांच्या आत्म्याला शांती मिळो अशी ईश्वर चरणी प्रार्थना करतो। सर हिंदी में बता, बहुत बड़ा वैक्यूम जो है रतन जी के जाने के बाद हुआ है। रतन टाटा जी ये एक बहुत ही सफल उद्योगपति तो थे ही, लेकिन उससे भी बड़े व्यक्ति के रूप में हम उनको देखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए काम किया है, उन्होंने केवल सफल उद्योग नहीं खड़े किए, एक विश्वासार्हता खड़ी की, एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जिसने हमारे देश को एक ग्लोबल इमेज दी, और उसके साथ साथ अपनी संपत्ति को टाटा ट्रस्ट में विलीन करते हुए उन्होंने इस विश्वस्त व्यवस्था से, ट्रस्ट से, जिस प्रकार के फिलेंथ्रोपिक काम उन्होंने किए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, रिसर्च के क्षेत्र में हो, बुनियादी क्षेत्र में हो, समाज और देश के उपयोगी जो कार्य उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से किए हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि जितने महत्वपूर्ण उनके उद्योग हैं उतने महत्वपूर्ण ये कार्य भी है। इसीलिए एक बहुत बड़े मन का व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया है, देश के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। नितिन जी, प्रधानमंत्री मोदी भी आएंगे क्या मुंबई? अजून त्या संदर्भात अधिकृतरित्या त्यांचे लोक जाहीर करतील। आता जी काही माहिती मला देण्यात आली आहे, उद्या NCPA मध्ये 4 वाजेपर्यंत त्यांना ठेवण्यात येणार आहे आणि त्याच्यानंतर अंत्यसंस्कार होतील, पण या संदर्भात जे काही अधिकृत घोषणा आहे ती त्यांनी केलेली अधिक योग्य असेल। देखिए अभी उसकी कोई जानकारी नहीं है, जानकारी मिलेगी तो आप। थैंक यू सर, थैंक यू। बाबर बाबर विजुअल विजुअल घेऊ दे ना।